हैवेल्स। नाम सुन के लगता है मानो फॉरेन का ब्रांड है, लेकिन इसका जन्म हुआ है हवेली राम गांधी से, जो विभाजन के समय भारत आ गए और उन्होंने हैवेल्स नाम की एक कंपनी लगाई जिसमें वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते थे। कुछ समय के बाद वो कंपनी नहीं चला पाए और वो कंपनी खरीद ली QRG ने, कीमत राय गुप्ता ने। और मजे की बात सुनिए, कीमत राय गुप्ता खुद एक पहले ड्राइंग टीचर, बाद में वो पंजाब में कहीं काम करते थे। एक बार वो घूमने अपने चाचा के यहाँ दिल्ली आए, चाचा की इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग की दुकान थी, वो चाचा की दुकान पे बैठने लगे। एक बार चाचा बाहर गए, पीछे से QRG ने कमाल कर दिखाया, ऐसी सेल्स दी कि चाचा ने बोला पार्टनर बन जाओ, और यहाँ से वो घुस गए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के धंधे में। साथियों, 37,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर और 800 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनी का नाम है हैवेल्स। साथियों, आज मैं आपको बताता हूँ हैवेल्स की वो बिजनेस स्ट्रेटजीज जिनको जान के आप अपने बिजनेस में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगे। स्ट्रेटजी 1, अपनी यात्रा को छोटा करने के लिए किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड को खरीद लीजिए। साथियों, जब हवेली राम हैवेल्स बेच रहे थे, QRG के पास पैसा नहीं था, उन्होंने इधर उधर लोगों से पैसे जमा किए और कंपनी नहीं खरीदी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खरीदा, खाली ब्रांड खरीद लिया, क्योंकि उनको पता था इस ब्रांड का नाम है और धीरे धीरे इस ब्रांड को फैलाया जा सकता है और नाम सुनने में फॉरेन का लगता है। तो जब भी आपको धंधा बड़ा करना हो, कोई नए बिजनेस में घुसना हो, देखिए कोई ब्रांड ऐसा है क्या जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई ब्रांड ऐसा है क्या जिसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं वो बेचना चाहते हैं, और ऐसे किसी ब्रांड को आप एक्वायर कर लीजिए ताकि उसकी पूरी सीनियोरिटी, पूरे रजिस्ट्रेशंस, पूरे लाइसेंसेस, पूरी ब्रांड वैल्यू आपके पास आ जाए। उनकी एक यूनिक स्ट्रेटजी थी जिसको मैंने नाम दिया द लस्सी फॉर्मूला। साथियों, हर घर में विवाद होता है। जिन चाचा जी के साथ, गुप्ता एंड कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, थोड़े समय में चाचा और भतीजे में विवाद हो गया तो लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की जगह उन्होंने अपने चाचा को एक कमरे में बिठाया, लस्सी का ग्लास ऑफर किया, कंपनी की वैल्यूएशन निकाली 90,000, और चाचा ने जो मांगा दे के सेटल कर दिया, क्योंकि व्यापार बड़ा करना था, विवाद नहीं। साथियों, कई बार ऐसा होगा, आपके अपने भाई बंधुओं से विवाद हो जाएगा। देखिए रेनबेक्सी बंधुओं का विवाद कहां तक चला गया, और उस वक्त ज्यादा जरूरत है एक पक्ष शांति बरते, एक दूसरा पक्ष हो सकता है जो कम समझदार हो, वो हल्ला गुल्ला मचाते रहे, उस वक्त आपको चुप्पी रखनी है, शांति रखनी है, संयम, धैर्य, धीरज रखना है, क्योंकि जब दोनों पक्ष गर्म रहेंगे तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत तभी हो सकती है जब दोनों पक्ष शांत मन से रहें। और हमेशा से QRG कीमत राय गुप्ता ने सिर्फ एक निर्णय लिया, व्यापार बड़ा करने की राह में परिवार से विवाद नहीं करना है। जितना मेरे भाग्य में लिखा है, जितनी मैं मेहनत कर सकता हूं, उतना मेरे पास आएगा ही आएगा। अभी तो सिर्फ लस्सी पिलाई है, अभी बहुत सारी और स्ट्रेटजीज आना बाकी है। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो, 300 वीडियो हैं जिसको आप मिस कर रहे हैं, तुरंत उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाया तो घंटी बजा दो। भगवान को भी नींद से जगाना पड़ता है, रोज रोज वीडियो आएंगे, अपने आप इंस्पायर्ड रहोगे और कुछ ना कुछ बड़ा कर लोगे। आइए चलते हैं अगली स्ट्रेटजी की तरफ, इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। मजे की बात है, QRG 77 साल के हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो वेस्टर्न स्टाइल में बिलीव नहीं करते थे। उनको प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं था, वो डायरेक्ट फेस टू फेस आदमी को जज करते थे, डायरेक्ट संवाद करते थे, और उनकी सुबह सुबह की ऑडियो कॉल्स विख्यात थी। वो अपने सारे डीलर्स से क्लोज कनेक्शन रखते थे, कभी कभी डीलरशिप मीट में डीलर्स नहीं आ पाते थे तो अगले दिन वो फिर से सारे डीलर्स को फ़ोन लगाते थे और उनको ऑडियो कॉन्फ्रेंसेज में लेते थे। आप जब उनके डीलर से बात करेंगे जो उस जमाने से जुड़े हैं, वो कहेंगे इनका बेहद पर्सनलाइज्ड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था। साथियों, इससे सबसे बड़ा लेसन ये मिलता है कि बहुत ज़्यादा पावर पॉइंट्स, रिपोर्ट्स, इन पे कंपनी चलाने की जगह अपने की लोगों से कनेक्टेड रहिए। देश में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बीच बीच में उनसे बात करते रहिए, उनसे मिलते रहिए, उनको एहसास दिलाते रहिए कि वो आपका परिवार है। जैसे जैसे आप इनएक्सेसिबल होते चले जाएंगे, वैसे वैसे गैप आ जाएगा, और भारत इमोशंस का देश है। आज भी आपका डीलर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ये चाहता है कि इंडियनाइज्ड कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट से मेरा थोड़ा जुड़ाव बना रहे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, ग्रो फास्ट बाय स्ट्रेटजिक एक्विजिशन। यूं तो हैवेल्स के 5 एक्विजिशन बहुत विख्यात हैं, जिसमें से लेटेस्ट अभी उन्होंने लॉयड्स इलेक्ट्रिकल्स को एक्वायर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा होती है सिल्वेनिया के एक्विजिशन की। कहते हैं कि जब इनको लगा कि दुनिया भर में व्यापार बढ़ाना है, तो उन्होंने अपनी से बड़ी कंपनी सिल्वेनिया को खरीदने के लिए कदम बढ़ाया।
उस वक्त कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिल्वेनिया को खरीदने वाला था, इन्होंने बीच में अपनी टांग डाली और सामने कंपनी के मैनेजमेंट को समझाया वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कल सिल्वेनिया को खरीदेगा, टुकड़े टुकड़े करके बेच देगा, हम इसको चलाएंगे, हम इसको बढ़ाएंगे। तेजी से अपनी बात रखी, फटाफट मैटर को सेल किया और सिल्वेनिया अपने से बड़ी कंपनी को एक्वायर किया। कुछ साल बाद नीदरलैंड्स के सिल्वेनिया को भी एक्वायर करके दुनिया की सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनीज में से एक बन गए। इनका सीधा फंडा था दोस्तों, पहले ब्रांड एक्वायर किया हैवेल्स और उसके बाद जहां जो मौका मिले वहां पर फास्ट स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन करो, जीरो से खुद बढ़ना, जीरो से मार्केट पैदा करना, सारे पेन झेलना, इससे अच्छा जिन कंपनियों का नेटवर्क बना हुआ है उन कंपनीज को एक्वायर कर लेना इनकी स्ट्रेटेजी थी। इसलिए आज इनके प्रोडक्ट 60 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुके हैं। अगली स्ट्रेटेजी, बी ट्रांसपेरेंट विथ योर स्टेक होल्डर्स। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, सिल्वेनिया को एक्वायर करते ही अगले साल 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आ गया, तो QRG और ARG ने क्या किया, इन्होंने बात छुपाने की जगह, गलत सलत निर्णय लेने की जगह सीधा अपने बैंकर से मुलाकात की। यूरोप गए, अपने बैंकर से मिले और उन्हें बताया मार्केट गलत है, हमारा इंटेंशन राइट है और हम एक दिन आपका पैसा जरूर चुकाएंगे, और बैंकर्स ने भी इनका साथ दिया। साथियों, सबसे बड़ा लेसन यह है कि अपने स्टेक होल्डर से, अपने लेंडर्स से कभी झूठ मत बोलिए। जब वो देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है परिस्थिति साथ नहीं दे रही है, लेकिन आपकी पॉलिसीज राइट है, सिस्टम्स राइट है, एग्रेशन राइट है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैशनेट है, वो भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि कोई भी अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता। यहां पर ट्रांसपेरेंसी की हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगली स्ट्रेटेजी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। साथियों, चाइना आ गया, चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स ने पूरे देश को पाट दिया, बहुत सारी दूसरी कंपनियां कॉस्ट वार में उलझ गई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के रेट गिराना शुरू किए, जैसे जैसे रेट गिराए क्वालिटी नीचे आती चली गई। हैवेल्स ने इसके विपरीत काम किया, हैवेल्स ने 1998 में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लगाया और तय किया किसी भी हाल में हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और चाइनीज प्रोडक्ट हैवेल्स को बीट नहीं कर पाए, क्योंकि हैवेल्स पूरी तरीके से क्वालिटी क्वालिटी और क्वालिटी पे फोकस करता रहा। उसने अपने कंज्यूमर से कनेक्ट बढ़ाया और कंज्यूमर से पूछा आपको क्या चाहिए। चाइनीज प्रोडक्ट्स के क्वांटिटी के चक्कर में ना जाते हुए हैवेल्स ने क्वालिटी कल्चर को एस्टेब्लिश किया। तो साथियों, यहां सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है, हो सकता है आपके आसपास कोई सस्ता प्रोडक्ट बेचने लग जाए और आप उसके चक्कर में घबरा जाएं और अपने प्रोडक्ट का रेट गिराने पे आ जाएं। यहां पर एक बार रुकिए और सोचिए, क्या वो क्वालिटी अच्छी दे रहा है? अपना सारा फोकस अपनी क्वालिटी पे लगाइए, अपना सारा फोकस कस्टमाइजेशन पे लगाइए, अपना सारा फोकस कस्टमर की नीड को हैंडल करने में लगाइए, क्योंकि यदि कस्टमर को अपनी जरूरत का सामान और अच्छी क्वालिटी का सामान सही रेट में मिल रहा है, सस्ते रेट में नहीं, सही रेट में मिल रहा है, तो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। टेम्परेरली आपको लगेगा कोई क्वालिटी गिरा के सस्ता बेचने लग गया है, लेकिन थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि कस्टमर आपके पास लौट के आ रहा है। अगली स्ट्रेटेजी, क्विक एडिशन ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज। साथियों, हम इतने सारी कंपनीज के मेंटरिंग करते हैं, हम देखते हैं कई कंपनियां 10-10, 15-15 साल से एक ही प्रोडक्ट बना रही है, वो और भी 20 बना सकती है, लेकिन वो एक ही को बना के खुश है। धीरे धीरे उनका कस्टमर टूटता चला जा रहा है, क्योंकि उसको कहीं और पे एक छत के नीचे ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहां पर आपको हैवेल्स को समझना होगा। हैवेल्स ने अद्भुत इनोवेशन करते हुए अपनी सारी प्रोडक्ट रेंज को हैवेल्स गैलेक्सी नाम के यूनिक शोरूम्स बना के उनके अंदर उतार दिया। साथियों, और किसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं होगी, इतने प्रोडक्ट इन्होंने एक छत के नीचे खड़े कर दिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रेटेजी। साथियों, हमारे एक प्रोग्राम गुरुकुल में मैंने एक बार लोगों से पूछा, कुछ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज का नाम बताइए, तो एक इलेक्ट्रिकल ट्रेडर खड़ा हो गया और उसने हैवेल्स के बारे में लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, क्योंकि हैवेल्स ने अपनी मैक्सिमम यूनिट्स में धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम कर दिए, सब में रूफटॉप में सोलर पावर जनरेटर्स लगा दिए, इसके अलावा एनवायरमेंट सेंसिटिविटी दिखाते हुए तेजी से वाटर पॉजिटिव, वुड पॉजिटिव, फैटेलिटी पॉजिटिव, हर तरफ से पॉजिटिव, पेपर पॉजिटिव, ताकि हम एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी कहला सकें। और साथ में काफी कुछ दान धर्म, अस्पताल बनवा रहे हैं, मिड डे मील्स खिला रहे हैं। सार ये है, एक कंपनी की आप टोटल जर्नी देखिए। एक ड्राइंग टीचर एक गांव से निकलता है, एक बड़े शहर पहुंचता है, एक नए धंधे में घुसता है, नए धंधे में धीरे धीरे ब्रांड को एक्वायर करता है,
जितने डिस्प्यूट्स आते हैं उनको संभालता है, उसके बाद कंपनीज को एक्वायर करता है, तेजी से प्रोडक्ट लीडरशिप डेवलप करता है, चाइना से फाइट करता है, और मजे की बात ग्लोबल हो जाता है और इंडिया का प्राइड हो जाता है, और लास्ट में जब खूब पैसा कमाता है उस वक्त भी सोशली रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब इस पूरी स्ट्रेटजी में ध्यान से देखिए आपके काम की क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बड़ा बनने के लिए बड़े क्या कर रहे हैं ये सीखना पड़ता है। जब आप किसी को रोल मॉडल बना के उसको फॉलो करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसी क्षण बहुत सारी गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। साथियों, हेवेल्स की केस स्टडी आपको कैसी लगी मुझे जरूर जवाब दें, और आप इसमें से कौन कौन सी स्ट्रेटजी को अपने व्यापार में या अपने लाइफ में या अपने कैरियर में अपनाने जा रहे हैं ये भी मुझे बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।